बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र के अंतर्गत आए दिन रातों रात चोरी की घटनाओं से पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे शातिर चोरों को अंतर जनपदी और हरदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से पुलिस ने हथियार और चोरी किए गए माल को भी बरामद किया। हरदी में ग्राम सभा महाराजगंज में चोरियों की घटनाओं का खुलासा करते हुए थाना हरदी और एसओजी की संयुक्त टीम ने जनपद सीतापुर के थाना रेवशा निवासी शकील और वकील को चोरी के सामान के साथ बरामद किया है। इसके अलावा उनके पास दो तमंचे, 15,000 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन भी प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक द्वारा कार्रवाई करते हुए दोनों का चालान किया गया है। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद की भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी ने कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही उनके व्यक्तित्व के बारे में बोलते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जो ये मंत्री जी हैं चेतन चौहान जी, उनका आज निधन हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? माननीय चेतन चौहान जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री भी थे, हमारे नौगांवा अमरोहा जिले के नौगांवा विधानसभा से विधायक भी थे, वो अमरोहा जिले से 2 बार सांसद भी रहे हैं। उनका यहाँ कार्यकर्ताओं में और जनता में इतने लोकप्रिय थे, इतना प्रेम था कि मैं समझता हूँ यहाँ के कार्यकर्ता के दिमाग में वो बिल्कुल अमर हो गए। और जो हमारे ये जिला ही नहीं, विधानसभा ही नहीं, प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए इतनी बड़ी क्षति है कि संभवतः वो पूरी ना हो पाए। ऐसे महान आत्मा वो आए थे जिसका कोई गुणगान शब्दों में नहीं किया जा सकता। और मैं मानता हूँ ऐसे पुरुष कभी कभी पैदा होते हैं, तो भगवान उनके परिवार को और सभी कार्यकर्ताओं को इस दुख की घड़ी को सहन करने की हिम्मत दे। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। अमरोहा के आदमपुर निवासी के घर में बदमाशों के द्वारा लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि पीड़ित का आरोप है कि कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा तमंचे के बल पर उसके घर में चोरी की गई। वहीं जब इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की पत्नी और बच्चे से पूछताछ की तो उन्होंने घटना के बारे में अलग अलग जानकारी दी, जिसके चलते पुलिस पूरी घटना की जाँच कर रही है, जिसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दीपक नाम है, क्या मामला है ये लूट का? लूट का साहब मतलब 2.5 लाख तो रुपया गया है, घर वाले की सारी चीज़ें गई। कैसे कैसे हुआ ये घटना, कैसे घटी घटना? सब मतलब घर पर मारे ठहरे दोनों, 10 साल का लड़का है मेरा। आप कहाँ थे? मैं साहब धान भरने गया था रात, फिर बाड़े के खेत में कुछ 5 बीघा धान यहाँ पे। मैं बोला इससे मैंने तो आज देखभाल कर ली है, 11 बजे तक मैं आ जाऊँगा, 12 बजे 1 बजे टाइम तक धान भर जाएंगे। तो किस टाइम गए होंगे आप? 7 बजे घर से निकल गया मैं, फिर पहुँच गया मैं वहाँ पर, भराई करता रहा तो मौका नहीं मिला घर आने का। तो 4 मुआ रखे थे, उन्होंने घर पर आ गए, लौंडा के कनपटे पर रख दो उन्होंने हथियार अपना। घरवाली से बोली चाबी कहाँ? घरवाली बोली उन्होंने साथ ले गए चाबी। चाबी जल्दी बता दो, साथ ने ले गए, नहीं तेरे लड़का में गोली मारने वाले हम। उसकी किल्ली निकल गई, उसने अपनी चाबी दे दी, माल ले जाओ, लड़का में गोली मत मारो। पर उसके बाद सारा धंधा चोरी होगी, सब सामान लेके निकाल गए, घरवाली का दम घुट गया उसे, कल कमर से उसके ऊपर डाल गए। कितने पैसे गए तुम्हारे? 2.5 लाख रुपए गए सर। और कोई सामान गया इसके अलावा? पैसे के अलावा चीज़ गई सके इसके घरवाली की। कितने क्या क्या चीज़ है? इसके हाथों के खड़ुआ गए हैं, चैन गई है पैरों की, और सोने की हसली गई है, एक सोने की लौंग गई है, एक सोने का जोदान होगा गले का, एक ओम सोने का लड़का का, उसके घनसाली बंदा हो गया। पुलिस को सूचना दिया? पुलिस को साहब हमने सवेरे एप्लीकेशन दिए थे, आगे नहीं है, वो आए थे यहाँ पे। उन्होंने कह रहे अब बताओ हम किसको, जब तुम्हारे हाथ कोई चोर कुंगल नहीं आया, कुछ नहीं, क्या करें? पुलिस क्या मान नहीं आप? पुलिस ने कह रही अपनी छानबीन निकालो, जासूस निकालो, किधर पास माओ फिर तुम चोर किधर दे दी तुम्हें सुबह। ये बदमाश किधर से है पता? चोर साहब इधर से घूमे गलिया ऐसा करके साइड से, इधर कम निकल गया ऐसा करके पीछे कर जंगल की तरफ। हाँ जंगल की तरफ से, और इधर भी जंगल की तरफ निकल गए वो लोग। मारपीट तो नहीं करी? नहीं। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता अभिजीत सिंह की रिपोर्ट।